नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल RK एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको SSC MTS टीयर 1 का रिजल्ट चेक करना बताऊंगा कि आपका रिजल्ट आने के बाद आपको कैसे चेक करना है, वो भी घर बैठे आप मोबाइल फ़ोन से, अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक करना है आज की इस वीडियो में मैं कन्फर्म बताऊँगा। तो आपको आना है अपने मोबाइल स्क्रीन में, उसके बाद आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में SSC डालकर सर्च कर लेना। जैसे सर्च करोगे तो जो फर्स्ट लिंक दिखाई देगा आपको उसी पर क्लिक कर देना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की लिंक पर। तो उस पर क्लिक करोगे तो उसकी ऑफिशियल साइट पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ से उसके बहुत सारे वर्क किए जाते हैं, जहाँ से SSC के जितने भी वैकेंसी आती है उन सभी का रिजल्ट चेक कर सकते हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद उसका जो नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। तो आपको आना है यहाँ, आपको लेटेस्ट न्यूज़ देखना है। अगर लेटेस्ट न्यूज़ में जैसे ही आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो तुरंत यहाँ पर दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ आपको रिजल्ट के ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको इसी रिजल्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ जितने भी रिजल्ट होते हैं SSC के द्वारा, जितनी भी वैकेंसी आती है SSC के द्वारा, उन सभी का जो रिजल्ट है यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद यहाँ आपको PDF के रूप में दिखाई देगा। तो आपको यहाँ सारी वैकेंसी के दिखाई देगा लेकिन MTS का नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको ऑर्डर पे क्लिक कर देना, अन्य पे मतलब। तो यहाँ पर ऑर्डर पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ जितने भी वैकेंसी का जो रिजल्ट आता है उन सभी का यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ SSC MTS सेलेक्ट कर लेना है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है उसके द्वारा यहाँ जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको SSC MTS आपको हवलदार सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए जाओगे इधर तो आपको इसकी PDF दिखाई देगी, एक में कटाव दिया रहेगा आपको, एक में आप कि कितने बच्चे मतलब कितने स्टूडेंट जो हैं पास हुए हैं उन सभी का रोल नंबर वाइज दिया रहेगा। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद डाउनलोड करके इसे अपने मोबाइल फ़ोन में देख सकते हो। अगर PDF रीडर है तो आप इस प्रकार से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताते हैं, यहाँ पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। लॉगिन पर देखने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपको एक पासपोर्ट मिला होगा तो यहाँ पर पासपोर्ट आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे यहाँ कैप्चा कोड फिल करना पड़ेगा, नीचे कैप्चा कोड फिल करके आपको यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हो तो आपका जो प्रोफाइल है वह ओपन हो जाएगी। आपकी प्रोफाइल ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका पेज दिखाई देगा, जितने भी SSC की वैकेंसी आती हैं उन सभी का जो है आपकी प्रोफाइल में अपडेट कर दिया जाता है। आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मार्क, आपको रिजल्ट और मार्क का ऑप्शन एक आपको ऊपर यहाँ दिखाई देगा, तो आपको इसी को देखना है। उसके बाद रिजल्ट और मार्क का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ऑटोमेटिक वहाँ फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इसी पे क्लिक करोगे तो आपका जो आपका रिजल्ट है वहाँ दिखाई देगा कि आप कितने में से कितने नंबर पाए हैं और कितना आपको कितना नंबर का आपका एग्ज़ाम था, उसके बाद उसमें से आपने कितने नंबर पाए हैं, किस विषय में कितने नंबर पाए हैं, इन सभी को जो है उसमें आपको दिखाई देगा। तो आपको आना है कुछ इसी प्रकार रिजल्ट मार्क पे, आपको रिजल्ट और मार्क पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे आप क्लिक करते हो तो आपका जो रिजल्ट है वहाँ पर आपको दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से हम आपको दिखाते हैं दोस्त कि आपका रिजल्ट किस प्रकार से दिखाई देगा। तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका रिजल्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पर रिजल्ट और मार्क का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद यहां पर इम्पोर्टेंट लिंक आपको दिखाई देगा, इसमें एप्लीकेशन नंबर आपको फिल कर देना है। जैसे अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करोगे तो आपका जितना मार्क होगा उन सभी मार्क का आपका नीचे आ जाएगा कि 25 में 25 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में होता है, जो 4 टॉपिक आपका होता है, 4 सब्जेक्ट होता है, उन सभी में यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे एप्लीकेशन नंबर फिल करके अपना, जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपका जो है रिजल्ट ओपन हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से आपको देख लेना है, आपको चेक करते रहना है। इसी मंथ में आपका जो है अगस्त मंथ में सभी का जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। SSC MTS टीयर 1 जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सभी का रिजल्ट जो है अगस्त मंथ के लास्ट तक सभी का जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब SSC CHSL का हुआ था उसके एक मंथ बाद उसका भी रिजल्ट आ गया था। तो आशा करता हूँ दोस्त ये आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू दोस्त।